इतने कम अरसे में थिएटर से टीवी और फिर फिल्म करना आसान नहीं, लेकिन अगर आप हरीम फारूक हैं तो फिर ये मुमकिन है। हरीम अपनी प्रेजेंस से अपने हर किरदार में हमें अच्छी लगती है। वैसे तो आप इनसे स्क्रीन पर रोज मिलते हैं, लेकिन आज कॉन्वर्सेशन में हम आपको मिलवा रहे हैं इनसे दोबारा फिर से। अच्छा हरीम, मुझे एक बहुत तुमसे अहम एक सवाल करना है जो मेरे ख्याल से लोगों को ये बात समझा देगा कि हरीम जो है वो क्या है और उसकी फ़िलासफ़ी क्या है ज़िंदगी की, और वो जब सुबह उठती है तो क्यों उठती है और उसका क्या मोटिवेशन चलो ये भी एक और है, हाँ, सुबह उसका मोटिवेशन क्या है। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी और मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप इसमें ब्लॉन्ड क्यों हैं। ये देख लें प्लीज जरा, ये क्या है हरीम? ये देखा, I'll tell you one thing. मुझे बीच में ना दौरा पड़ा, मुझे दौरा पड़ता है रैंडम चीजें करने का, तो मुझे दौरा पड़ा कि I want to be blonde. I felt like being blonde, but this was not the क्या कहते हैं the blonde. Yeah, not. इससे ज़्यादा blonde थी तो? मैं नहीं, I wanted to be blonde. वो होता है, you know when you want the law of attraction thing, when you want to do something, it somehow happens to you. तो 6 महीने पहले, इससे 6 महीने पहले I was like, you know, I feel like being blonde. And did you have more fun? I always felt like a blonde when you were blonde inside. हाँ। उसका एक और context है, तुम्हें पता है ना कि वो हाँ। I think I took it literally though. Literally? अच्छा दूसरी तस्वीर दिखाऊं? अल्लाह दिखाएं। ये क्या मसला है तुम्हारे साथ कि तुम गाड़ी में या प्लेन में नहीं बैठ सकती? सोए बताए। ये क्या? ये I am proud of this picture. ये मुंह पे जैकेट होता है पूरा? This shows the real me. It does, yeah. It's like someone commented on Darth Vader. Hareem Darth Vader. Darth Vader. किसी ने मुझे उससे नीचे comment किया था, oh my god Michael Jackson. I was like Michael Jackson कहाँ से हो? पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे literally. कुछ interesting सा। अच्छा तो ये हमेशा जैसे plane में बैठती हो या train में बैठती हो या गाड़ी में बैठती हो सो जाती हो? Literally नींद आ जाती है। नहीं यार, सुबह हो, रात हो, दिन हो, शाम हो, कोई time हो, मैं 24 घंटे की सोई की उठ के फिर जाऊँ, सो जाऊँगी। There's something very soothing about। इसमें मसला ये था कि वो जो मैं अपना वो भूल गई थी, क्या कहते हैं आई मास्क जो वो भूल गई थी, तो मेरे पास एक स्वेटर था वो मैंने मुंह पे चढ़ाया। तो आई मास्क के बगैर नहीं नींद आती? वो पिच ब्लैक नहीं, वो दोपहर की फ्लाइट थी उसमें नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा एक और जो तुमसे बात पूछनी थी कि तुम शीशे में क्यों नहीं देख सकती पाउट किए बगैर? मुझे पता था आई हैड अ फीलिंग यू गाइस वर डिस्कसिंग मी थोड़ा शो से पहले, मुझे शक था कि ये जरूर आएगा क्योंकि ये बड़ा इशू रहा है दोबारा फिर से के शूट पे। क्यों? ये क्या है देखें शीशे में? ये सोनिया, there are some natural phenomena in this world. क्या है दोबारा बोलना? Unexplainable. Oh, you can't? अच्छा, अगर उसपे किसी ने पाउट और अम्मी को भी करवाया पाउट। How cute! Cheekbones नजर आती हैं। पाउट करने से cheekbones? हैं? मुझे नहीं पता था कि ये अच्छा ये भी देख लें जैसे कि ये तो funny पाउट है, तो cute. Yeah, this was me trying to be cute. But is this you? Yeah, it look like you. There's too much filter on it. अच्छा filter का मसला है। सही। You guys have been stalking my Insta and we are stalking you. हाँ। नहीं तो seriously पाउट का क्या है? Like because I've noticed it. क्या? शीशे में मैं यूँ हो जाती हूँ। यूँ हो जाती हो? हाँ। तो तुम्हें शौक है शीशा देखने का बहुत? नहीं, मजा आता है। नहीं मजा आता है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी सी स्टेटमेंट है। इतने सालों तक मैं समझती रही थी किसी को नहीं पता चलती ये बात, ये हो जाती है ऑफ कोर्स। हां फिर एक दिन शूट पे थे तो सनम ने पकड़ ली ये बात, तुम्हारी शक्ल के साथ का मसला है, तुम शीशे में ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा नहीं तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है पता नहीं, मुझे वाकई नहीं पता क्या मसला है। ये होता है, मैंने बहुत से लोगों में ये देखा है, बाय द वे। देखा है ना? बिल्कुल देखा है। अच्छा अब हम बहुत फन राउंड करने वाले हैं। फन राउंड, हाँ। Okay. ये है कि मैं एक चीज, एक जुमला या एक लफ्ज तुम्हारी तरफ फेंकूंगी और तुमने बगैर सोचे उसका एक जवाब मेरे तरफ वापस फेंकना है, ठीक है? तो कॉन्शियस ना होना, ठीक है? जो भी दिमाग में पहली चीज आती है वो बोल देना, या दिल में जो पहली चीज आती है वो बोल देना। मालिश या मसाज? मालिश। पहाड़ या दरिया? दरिया। रोटी, कपड़ा या ब्यूटीफुल हाउस? इस मुल्क में तीनों नहीं है, बहुत कम ही है। हाँ। अल्लाह करे मिल जाए हमें। आइसक्रीम या गोला गंडा? गोला गंडा। गोला गंडा, अच्छा। अब हम खेलेंगे गेम नेम एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का नाम लूंगी और तुमने मुझे ऑनेस्टली रिएक्ट करके उनके लिए एक एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है, समझ गई ना? हाँ, अरमीना खान ब्यूटीफुल, उस्मान खालिद भट्ट बेस्ट फ्रेंड, आयशा खान लवली, सबा कमर ऑफ अमेजिंग एक्टर, शहनाज शेख ब्यूटीफुल। अच्छा, अब एक और, जिस तरह हमने नामों के साथ किया है हम इन थोड़े लफ्जों के साथ करेंगे, ठीक है, अल्फाज के साथ। व्हाट पॉप्स इनटू योर माइंड द सेकंड आई से दीज? लव, माय पेरेंट्स। परेशानी, सुबह सुबह उठना। एक्साइटमेंट, एक्टिंग। बोर, नॉट वर्किंग। गमगीन, लूजिंग समवन वेरी क्लोज टू मी। ड्रोना, सुबह सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखती। खुद मुख्तार, खुद मुख्तार जरूरी है होना खवातीन के लिए खास तौर पर। दिलचस्प, दिलचस्प और हर चीज में कोई ना कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। ओके, रंगीन। मैं खुद। अच्छा, तुम्हारा पहला प्यार, तुम कितने साल की थी जब तुम्हें हुआ था? फर्स्ट लव मुझे हुआ था जब मैं आई थिंक वाज 10 और 11, दैट वाज राहत काज़मी। रियली? यस। धूप के नारे? आई डोंट रिमेंबर, आई रिमेंबर धूप के नारे मैंने बहुत बाद में देखा है बाय द वे, और द रीजन आई वॉच्ड इट वाज बिकॉज़ ऑफ राहत काज़मी एट दैट टाइम। लेकिन आई रिमेंबर कि मैंने एक दफ़ा देखा था और मैंने कहा ओह मामा, हु इज दिस मैन? No, but you know, like, it was stop it. नहीं, हम मानेंगे माशाल्लाह, मेरी रंगीन बेटी। रंगीन माशाल्लाह से। No, but क्या कहते हैं, it was he's such a classy guy, man. I mean, gentleman, yes. And then क्या कहते हैं, फिर ऊपर से the couple क्या कहते हैं, सायरा जी and राहत जी itself. तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे राहत काज़मी से प्यार है, मुझे इस couple से प्यार है। I even asked him out once, by the way. You did? Yeah, I obviously he doesn't remember me. But क्या कहते हैं, वो थिएटर प्ले, हाँ obviously एक रैंडम लड़की जा रही है and सारे जो राज जी को थिएटर प्ले देखना आया था और मैं भी उधर थी और मैं इनके पीछे पीछे भागी थोड़ी देर बाद, बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके बाद मैं गई और मैंने कहा कि सर 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 कह रहे जी, मैं वो भाग रहे थे क्योंकि ऑलरेडी पीपल वो फॉलोइंग मैंने लाइक वो सारे जी प्लीज़ एक फेवर प्लीज़, तो कह रही है जी बेटा बोले, मैंने कहा Can he please take me out on a date? I love him. तो फिर राहत करो। Oh, sweet. That's a lot like her. मैंने कहा that's enough for me. Thank you. हो गया, बस ये था, आपने मान लिया। जी, और फिर उनके बेटे के साथ काम किया जिसको मैं रोज देखती थी, है ना? अली, your daddy. I love him. तुम्हें बहुत शौक है पूरी रात जागने का। ये क्या है तुम्हें मसला? क्यों? क्यों है ये, क्या ये एक एक्साइटिंग चीज क्यों है? मेरा पता है बचपन का मसला है ये, इट्स नॉट समथिंग, मेरे बहुत सारे मसले हैं जो बचपन से हैं। अच्छा, आई एम सॉरी माय पेरेंट्स, आई मेक यू लुक बैड, बट लेकिन है, रिजॉल्व नहीं हुए ये मसले तुम्हारे बचपन से? हाँ, अम्मी बताती हैं कि क्या कहते हैं, और मेरी नींद कच्ची है, which is a lot of people don't believe that. Yeah. लेकिन Marine would never agree on that. लेकिन क्या कहते हैं, वो कहती थी वो हम ना, तुम सोई होती थी ना, छोटी सी होती थी 6 महीने की, तो हमें टेंशन होती थी कि कमरे में कोई हल्की सी खड़खड़ ना हो क्योंकि तुम उठ जाओगी, और तुम सारी रात जागी रहती थी, सारी रात। As far as I can remember, it's been like this. I used to sleep late. I used to wake up obviously तब स्कूल होता था, उठना पड़ता था, but yeah, I am that. अच्छा, रात को फिर तुम्हें क्या चीज़ जगाती है? सोचती हो, टेंशन के लिए जागती हो, या दिमाग उस वक्त चलना शुरू हो जाता है? हाँ, आई थिंक। और परेशानियाँ क्या हैं तुम्हारी ज़िंदगी में? व्हाट्स योर बिग वरी? If I have to do a lot in such a short span, I don't, पता नहीं कब मर जाऊँगी, लेकिन उससे पहले करना है। हाँ, उससे पहले करना है, ठीक है। हाँ, तो वो बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई पर्सनली फील कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया को वापस देनी चाहिए। I mean, we take so much from the world, we take so much from the universe. So it's important to give it back. We take so much from the society. Okay. We need to give that back. There's a certain responsibility. तो वो फिर मैं रात को जो है ना, मैं फौरन रात को बैठ के मैं सोचती हूँ मैंने दुनिया किस तरह चेंज करनी है। What do I have to do? What changes can I make? अच्छा, ये मेरी ये गोल्स हैं, कब किस तरह होगा। रात को मेरे ख्याल में बेचैन हो जाती हूँ, किस तरह होगा। सो जाया करो ना, फिर मसला नहीं होगा। नहीं, ये भी एक एन्जॉयमेंट का आई थिंक एक है। कोई ऐसा चैलेंज है तुम्हारी ज़िंदगी का जो तुम फील करती हो कि अगर इसको क्रॉस नहीं किया या अगर इसको पार नहीं किया, या कोई ऐसा डर कि फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगी या मैं जो ज़िंदगी में चाहती हूँ वो नहीं पा सकूँगी? आई फील अल्लाह ना करे ऐसा, अदरवाइज उस तरह का कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि मतलब मेरी जो बैकबोन है ना, दैट्स माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लूजिंग ईदर वन ऑफ देम इज़ माई बिगेस्ट फियर, स्पेशली माई पेरेंट्स, क्योंकि अम्मा अब्बा के बगैर मुझे आई डोंट नो, मुझे मैं पिक्चर नहीं कर सकती हूँ चीज़ें। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे बट समथिंग लाइक दिस हैपन्स, तो फिर मैंने क्या करना है? हाउ एम आई सपोज्ड टू प्रोसीड? समझ ही नहीं आता, प्लान ही नहीं किया जाता, वो होता ही नहीं है। So I think that is one of my biggest fears. Yeah, that's so. अच्छा, एक और चीज़ जो आई थिंक तुम शायद रिलेट कर सकोगी इससे, ऑल्दो आई मीन बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बात पे हंस रही थी जब ये हमने शो भी शूट करना शुरू किया था कि भाई ये सारी लड़कियाँ इतनी पतली क्यों हैं? आई मीन एक हद होती है ना, आई मीन बच्चे भी हो गए, बड़ी मैं तो बस कर दो, सड़ जाती हूँ। हाँ, वो तो मैं भी सड़ती हूँ, तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन तुम्हें, मुझे पता है, बहुत फ्लैक भी दिया गया है इस बात के बारे में कि तुम बहुत हालांकि तुम हसीन हो और तुम बहुत लंबी हो और आई थिंक यू हैव अ ग्रेट, हाँ यू वेलकम, हाँ वही, तो तुम्हें ग्रीफ दी गई है इस बात के बारे में, वेट के बारे में कभी कुछ कहा है? क्योंकि तुम उस कन्वेंशनल ढांचे में नहीं फिट आ रही जो लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। जितने लोगों ने, जब मैं खासतौर पे जब मैं टीवी पे आई, थिएटर पे अपेरेंटली लोगों ने कहा वो थिएटर पे चल जाता है, थिएटर पे जाता, स्टेज पे बिल्कुल। टीवी पे जब आई, जितने लोगों ने कहा कि नहीं, उतने ही लोगों ने कहा हाँ, दे एक्सेप्टेड इट इनिशियली। क्या कहते हैं, आई बिलीव इन दिस, आई मीन यस, फिजिकल अपीयरेंस इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट, बट इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन योर टैलेंट। अगर आप में स्किल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से रुक जाएं। तो मैंने कहा कि अच्छा ओके, तो अ लॉट ऑफ पीपल हु, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों ने रिटेलिएट किया इस बात पे कि नहीं मोटी है मोटी है, उतने लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि नो, दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू। बिल्कुल। एंड आई एम, मुझे और वो मुझे कहते हैं कि तुम कभी मोटी हो जाती हो, कभी पतली हो जाती हो, मैं आई वांट टू, जो मैं होंगी, जो मैंने पतला होने का दिल होगा मैं पतली होंगी, मोटी होने का दिल होंगी। अब तो मैंने ढिटाई में मैं हो के रहूंगी, अब तो दिखा के रहूंगी तुम लोगों को। नो बट इट्स जस्ट यू नो, इट्स अ पॉइंट कि और क्या होगी, थोड़ा मैं और हो जाऊं। अच्छा ओके, हां ठीक है, ये मुझे नहीं समझ आती तुम लोगों के। इट्स समथिंग जो मैं एक चीज प्रूव करना चाहती हूं लोगों को कि इट्स, अगर मुझे आप लोग इफ एक्सेप्टिंग मी एट अ सर्टेन वेट, it's not necessary for me to be thin stick, कि मुझे हीरोइन बनना है। नहीं, उसके बनने के लिए ना मुझे अपने स्किल पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे फिजिकल अपीयरेंस, yes it's important, but it's not the sole priority कि बस यही होना चाहिए। अच्छा, अब हम करेंगे एक सेगमेंट, ठीक है, जिसमें आप डायलॉग नहीं इस्तेमाल कर सकती, आपके मुंह से चूनी निकलेगी, सिर्फ मुझे आपकी आँखों की एक्सप्रेशंस चाहिए या शक्ल में एक्सप्रेशंस, ठीक है ना? तो बेसिकली मैं जैसे अगर आपसे बात करूंगी, आई विल प्ले द अदर कैरेक्टर, और इस वाले सेगमेंट में, पहले वाले में आपने शदीद बोरियत दिखानी है, शदीद बोरियत। तो मैं सोच रही थी फिर कि मैं गई शॉपिंग करने और फिर मैं वहाँ से जा रही थी आगे, फिर मुझे टैक्सी नहीं मिली, फिर मैं टैक्सी से गई और फिर मैंने सोचा मैं रिक्शा ले लेती हूँ, टैक्सी तो है नहीं। फिर जब रिक्शा भी नहीं मिला तो मैंने कहा चलो पैदल निकलना, यू नो, चलते हैं। लेकिन फिर वो पैदल चलते चलते भी, पता है, फिर मेरे पाँव में दर्द शुरू हो गया। फिर पता है क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुझे हसन मिल गया। फिर हसन ने कहा मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, तो मैंने कहा हाँ, तो मैं हसन की मोटरबाइक पे साथ बैठ गई। फिर हम गए सीधा, तुम्हें पता है, वो बंस रोड के रास्ते से। फिर मैं सोच रही थी कि मैं शायद वहीं के टिक्के खा लूँ। अच्छा, अब तुम्हें अम्मी से डांट पड़ रही है, ओके? हाँ हरी, मैंने तुमसे एक्सप्रेशन, हाँ नेचुरल, हाँ वही जो होते हैं। हरी, मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि आई डोंट लाइक इट जब तुम पूरी पूरी रात जागती हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा, तुम्हारी आंखों के नीचे हल्के पड़ने शुरू हो गए, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तुम नहीं, मैं बस नहीं, मुझे नहीं सुनना, तुम बस मेरी बात सुन लो, आज बहुत हो गया है। अब मैं ये बता, अच्छा ओके, ये जो है ना, हाँ, we are at the Dash Style Awards, okay, and I'm the presenter. हाँ, सुन लें. And the nominations for Best Actress are Hareem Farooq, Mawra Hussain, Mahira Khan, Sanam Saeed. अच्छा मुझे तो लग रहा है, मुझे लग रहा है, पता है मुझे लग रहा है हरीम को मिलेगा इस साल। हरीम 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 का हो रहा है। है, तुमने सुना था बैकस्टेज हरीम को मिलने वाला है। And the award goes to Mawra Hussain. Excellent. अच्छा अब तुम शर्मा रही हो। हाँ मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है एंड ओ माय गॉड, वो तुम एक्सप्रेशंस कहाँ से सोचती हो? हमें समझ में नहीं आता मेरे के इतना डीप इंसाइट, इतना तुम काम करती हो और तुम इतना तेज भागी। वेट होने के बावजूद तुम उस सीन में इतना तेज भागी, इतनी फिट लगी कि मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई कि माय गॉड दिस इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ परफॉर्मर। अच्छा अब जानवरों की आवाजें निकालनी है, हम जानना चाहते हैं कि आप जानते हैं, जानती हैं जानवरों। हाँ ये हमने सबके साथ किया है। ओके हाँ झिंगर, बट हैव लाइक वो थोड़ी श्रिल भी होती है, अजीब सी भी है ना। हाँ होती है, थोड़ी लगती है कान को। गधा। बहुत ही बुरा गधा था वैसे ये, लेकिन ये क्या चाइनीज गधा था यार, ये क्या हुआ। ओके कव्वा। ओह दैट साउंड्स लाइक मी टॉकिंग, नॉट टू बी सिली। कव्वा बोलो ना, सही तरह करो, चलो सीरियसली। हाँ एक्टिंग क्लास है तुम्हारी। या हाँ सही है। चील। चील मुझे याद नहीं आ रही भी उसकी कैसी होती है। आई थिंक इट्स लाइक अ चील के, खिंची भी आती है। हाँ आई हैव नेवर हर्ड अ चील है ना। नो आई हैव बट इट्स अ वेरी शार्प किस्म की। अच्छा चलो छोड़ो। चूहा। चूहे की आवाज। हाँ घोड़ा। नहीं हाँ 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 सही है सही है सही है। हाँ That sounds like me laughing. सारे जानवर में कुछ नहीं। चलो अगला शेर। Yeah, my niece does that by the way. मेरी भाभी करती है छोटी, वो she's so cute. मुझे इससे याद आया, सॉरी मैं रैंडम बातें भी करती हूँ। नहीं अच्छी बात। वो आती है छोटी सी ना, she's like 2 years old. आती है pretend करते कि हम डर गए। I know अरे। अच्छा बकरी। मेरी आवाज़ ऐसा नहीं। हाँ मच मचा। भेड़िया। I can be an animal. Yes. कोयल। कू right? Is it the कोयल right? कोयल की it's more like कू। So what is? है ना नाइटिंगेल होती है ना। हाँ that's it. Yeah, that's it. हाँ हाँ अच्छा तुम्हें फेकी बोली आती है? ट्राई कर लूँगी। चलो मैं तुम्हें सिखाऊँ थोड़ी सी फेकी बोली। अच्छा तुफुम हफा रफा नफाम कफे यफा हफे। तुम्हारा नाम क्या है? तुफुम हफा रफा, तुफुम हफा रफा नफाम कफे यफा हफे। ठीक है बोलो। हफीम फफूक। हफर रफीम। हफर रफीम। ओके दो दफा ब्रेक। ओके हफर रफीम फफार रफूक। ओके ठीक है ना। अच्छा तुफुम कफई यफा कफर तिफी हफो अफो फफी फफो फफा फफा। वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि तुम काफी हैपनिंग हो सोशल मीडिया पे। हाँ बिकॉज आई रिमेम्बर, आई मीन तुम्हारा इंस्टाग्राम स्नैपचैट तुम काफी। मैं बताती हूँ, ये जो दोबारा फिर से की टीम है ना, इनमें से सबसे ज्यादा हैपनिंग में हूँ। ओ तो ये बिल्कुल ही लूजर है इस मामले में। लूजर्स एक नंबर के। और मजे की बात है, मैंने नोट किया कि योर फैंस दे वांट टू सी व्हाट यू अप टू एवरी डे, दे रियली डू। वाओ व्हिच इज स्लाइटली डिस्टर्बिंग बट दे डू। वो देखना चाहते हैं आप रोज क्या कर रहे हैं और मतलब सुबह में आपने क्या किया, शाम में क्या किया, रात में क्या किया, मैंने नहीं बताया। तो तुम सेल्फीज खींचती हो दिन में 500 अपनी अपलोड करने के लिए? प्रमोशंस करी हो तो मैं बहुत सेल्फीज खींचती हूँ, लेकिन कभी कभी यू नो देयर आर टाइम्स जब आप वाकई यू वांट टू टॉक टू योर फैन। फैन से याद आया, कभी कोई ऐसे कोई फैन के साथ कोई इंटरेक्शन हुई है जो बहुत फनी हो या जरा स्टॉक हुई हो तुम? या I've had some disturbing fans though. You have? हाँ, बहुत प्यारे भी हैं, बहुत अच्छे fans भी हैं, लेकिन बहुत stalking किस्म के fans भी हैं। Really? हाँ, मुझे I got a there was a ये मैं हर interview में बोलती हूँ, मुझसे जब भी कोई पूछता है fan moment, मैं कहती हूँ मुझे एक bloody letter आया था। वो खून में लिखा हुआ। Yeah, which was very disturbing for me. I was like पहले से ये पहुंचा कैसे यहाँ पे, मुझे आप इस चीज़ का जवाब दें। मैंने कहा ओके, बट यू नो ये इस तरह के अजीब रिटार्डेड चीज़ें होती थी। बट देन अगेन कुछ इतना प्यार देखने को मिलता है कि मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ आपको आप वही हरीम ही समझ रहे हैं ना, मुझे मायरा नहीं हूँ मैं, हरीम हूँ। उनको याद दिलाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, जस्ट चेकिंग, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें वो मुझे बहुत इनकरेजिंग लगता है। मुझे उससे बहुत आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी, मुझे और मोटिवेट करता है कि अच्छा बस सही है। अब हम आ गए वापस एक्टिंग पे, ठीक है? मैं आपको एक कार्ड पकड़ाऊंगी और ये आपने पढ़ना है। और पहला जो है, आप मथीरा हैं और आप एक चीपस्टर कॉलर को ज़रा मैनेज कर रही हैं फ़ोन पे। ये लाइंस आपको पढ़नी होंगी ज़रा। चलें जी, चलें। अब आप मथीरा हैं। हेलो हेलो जी, मैं मथीरा से बात कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? आप बिल्कुल कर रहे हैं। मैं बहुत लाइक करता हूँ आपको। नहीं, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैंने नंबर मिलाया। 6 घंटे से मैं नंबर मिला रहा था, एक्चुअली परसों भी मिलाया था, कल भी मिलाया था। 6 घंटे से नंबर मिला रहे थे आप, पहले मिला लेती ना यार। मैं जानना चाहता था कि आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? मैं घर पे हूँ। चुप करें ना अम्मी, आवाज नहीं आ रही फोन पे। अपनी अम्मी से इस तरह कभी बात नहीं करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं अपनी अम्मी से। ये शो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोशल मैसेजेस भी जरूरत होते हैं। अम्मी बस करें ना। नहीं जी, क्या बोल रही थी आप अम्मी के बारे में? आप क्या कर रहे हैं? अम्मी से क्यों इस तरह बात की आपने? तो मेरी अम्मी यार, किस तरह बात करूंगा? आप मुझसे क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? आपको तमी, ये हमारे मुल्क का मसला है। कॉल काटें, ड्रॉप करें, कॉल ड्रॉप करें, ये हमारे मुल्क का। ये मैं शो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए, ये सोशल मैसेज के लिए शो होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग इस तरह। अच्छा चले, अब नेक्स्ट। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 2 एक्ट्रेसेस हैं जो बिल्कुल अपना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन यह है कि कभी लड़ाई नहीं हुई है, ज़रा साइलेंट ट्रीटमेंट वाला सीन होता है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कहेंगे कि डेकेड का जो है ना, वो प्रोजेक्ट है ड्रामा, ठीक है ना? और दोनों मिस भी नहीं करना चाह रही थी अपॉर्चुनिटी इस ड्रामे में होने की। तो बेसिकली हाउ विल दे एक्ट? मेकअप रूम में दोनों बैठी हुई हैं, तो चलो तुम करवा रही हो मेकअप, में अंदर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। हाय हाय हरीम। ओह, आई एम सो सॉरी आई डिडंट सी यू देयर। वो सारा लग रहा था ना। आई नो, ये थोड़ा ज्यादा लगा। और पता है, आई वाज सो एक्साइटेड। मैं यही सोच रही थी कि उफ, इतना फन आएगा इस प्रोजेक्ट में कि हम दोनों को साथ काम करने का चांस मिलेगा। यस माय गॉड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, दैट यू शुड नॉट वेयर पिंक, इट विल नॉट लुक गुड ऑन यू। या हाँ, आई वाज जस्ट थिंकिंग, है ना, पिंक नहीं सूट करता ना मुझे। तुमने इतना अच्छा किया। वो जैसा तुम्हारा ब्लैक था, जैसे तुमने अवार्ड्स में जो ब्लैक पहना था, तो वन यू लुक्ड हिडियस इन, डोंट यू रिमेंबर? जो सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए थे, आई फेल्ट सो बैड फॉर यू, आई थॉट यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दैट आउटफिट। व्हाट आर पीपल थिंकिंग? क्या सोच रहे थे लोग? आई डोंट नो यार, बट थैंक गॉड यू नो एटलीस्ट। बट बाय द वे यू आर राइट, आई लुक्ड हिडियस। I mean, नॉमिनेशन के बाद मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। They didn't nominate you? हाँ, जरा वो प्लीज मेरे लिए, हाँ थैंक यू, डाइट लाइएगा ना जरा। हाँ, वो मेरे लिए जरा डाइट ड्रिंक लाइएगा ना प्लीज थोड़ी। हाँ सॉरी, क्या बाय द वे? नहीं, आप क्या पूछ रही थी मुझसे? What were you asking me that I wasn't? No, I said it was so unfair. I heard that I wasn't nominated. Yeah. No, of course not, because did you see? आपने देखा था कि क्या कचरा बनाया था उन लोगों ने? तो नॉमिनेट कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है आपको तो पता है ना आजकल एक्ट्रेसेस अगर उनका डायरेक्टर के साथ ख़ास दोस्ती हो या किसी लीड एक्टर के साथ ख़ास दोस्ती हो तो फिर ही आपको पता है वो नॉमिनेट होती हैं। तो आपको पता है मैं तो मैरिड हूँ और इन चीज़ों में तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो फिर चांस ही नहीं है हम जैसी बेचारी शरीफ लड़कियों और लगेगा मेकअप पे घंटा और घंटे बाद आप लोग शॉर्ट रेडी कर लीजिएगा। अच्छा चलो एनीवे मिलते हैं। हाँ मैं जाके अपना शॉर्ट करा दूँ। आई नो आई एम सो एक्साइटेड। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। टेल मी वेयर यू गेट इट फ्रॉम। आई विल टेल यू लेटर। हाँ वंस यू टेल मी वेयर यू गॉट योर्स। हाँ स्वीट सही लाइक। अच्छा फिल्मों की बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ा बहुत मुझे बताओ कि तुम क्या टेलीविज़न एंजॉय करती हो, टेलीविज़न पे काम करना एंजॉय करती हो या फिल्में ही ज़्यादा एंजॉय करती हो? मैं टीवी की व्यूअरशिप एंजॉय करती हूँ। ओके। टीवी की ऑडियंस बहुत एंजॉय करती हूँ और मैं ये बात डिनाई नहीं कर सकती कि सो फार जितना भी मुझे प्यार मिला है वो टीवी की वजह से ज़्यादा मिला है। तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती, मैं नहीं कह सकती नहीं करूँगी इन द टीवी, दैट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। करूँगी इवेंचुअली और क्या पता अपना करना शुरू कर दूँ। आजकल बहुत ही मैं ओछी हुई लेकिन एक और जो चीज़ है ना जो बड़ी फॉर्मेट इतना फ़र्क है ना, क्योंकि फिल्म 1.5-2-3 घंटे और उसमें पूरी कहानी सुनानी है, उल्टा वहाँ 30 एपिसोड तक अब चल गए। आई मीन अब 30 एपिसोड तक किस तरह रोए इंसान या किस तरह, और रोना भी होता है ज़्यादातर। बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिसएग्री करती हूँ टीवी से, ये रोना, औरतों को कमज़ोर दिखाना और सारा, इसलिए मैं कुछ इस तरह के ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ रहे थे। कुछ मैंने गलतियाँ कर ली, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जिनको मैं नहीं बिलीव करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो करके। लेकिन अब फिर मैंने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, अनलेस अनटिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एटलीस्ट कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हो। यार टीवी इतना बड़ा मीडिया में लोग करोड़ों की आवाम देखते हैं आपकी, और हर किसी के घर में टीवी है, वो कुछ ना कुछ पिक करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं वहाँ से, उनको बस रोना सिखाते हैं कि आप बस रो सकते हैं। ज़ुल्म लोग बुरे हैं और सासें बुरी हैं और नंदे बुरी हैं और सब बुरी हैं। हाँ हमारा टीवी बहुत अच्छा रहा है एक टाइम पर, अभी भी अच्छा है, लेकिन आई एम सेइंग बहुत कम इस तरह का काम हो रहा है। आई मीन धूप किनारे, तन्हाइयाँ, आंगन टेढ़ा, उससे भी अगर तुम पहले चली जाओ, अगर तुम खुदा की बस्ती, निजात, मेरा नाम मंगू, वारिस, ब्रावो चार्ली, सुनहरे दिन, दीज मतलब टिल द 90s वी हैड अ गोल्डन पीरियड या बहुत अच्छा था। तो वो अब आई थिंक मुझे आई मिस दैट टाइम। और मैं ऑडियंस को बार बार कहती हूँ खुदा के लिए आप लोग अगर ये देखना छोड़ देंगे ना, ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं नहीं बनाएंगे चैनल वाले। हम लोग खुद, हम शायद हमें एज ए नेशन शौक है कि हम देखेंगे क्या कहाँ बुरा हो रहा है, क्या नहीं बुरा हो रहा। हाँ सही कह रही हो, वैसे यही है कि है शौक हमें, क्योंकि हमें आप कोई पिच करें ना, कोई चीज़ पिच करें कि यार ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, रेटिंग ही नहीं आती, रेटिंग ही नहीं है। अच्छा तो उसके अलावा फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्योंकि तुमने थिएटर भी किया है, टीवी भी किया है, फिल्म भी की है, वो कौन सा एक प्रोजेक्ट था जिससे तुम्हें अचानक शोहरत मिली है या तुम ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हुई हो या तुमने बिलीव किया है कि अच्छा अब मैं अगले लेवल पर आ गई हूँ? मैंने अभी तक बिलीव नहीं किया कि मैं अगले लेवल पर आऊँ, लेकिन आई मीन एक होता है ना कि कहाँ तुम स्ट्रगल कर रही हो थोड़ा बहुत और कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तुमने बिलीव किया हो कि ओके मुझे अब रिकग्निशन मिली है इसकी। या आई थिंक दियारे दिल पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, अभी तक करते हैं। एंड आई थिंक देयर वाज अनदर वन, दूसरी बीवी। तुम दूसरी बीवी थी जिसपे मैं नहीं पहली बीवी थी। हाँ मासूम वाली थी, मासूम मजलूम पागल हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं, आई थिंक दीज टू सीरियल्स काफ़ी से रिकग्निशन मिली। हाँ ये वो उस तरह का, लेकिन अदरवाइज मैं कभी इस तरह नहीं सोचती कि अच्छा किससे मेरी गेम अप हुई है और किससे मेरी गेम डाउन हुई है। यू एज ए ह्यूमन यू मेक मिस्टेक्स, हम एक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, बेवकूफियां भी करते हैं, बोंगे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी बार कर लेते हैं जो कहते हैं आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नेवर डिड दैट, वाज नेवर इन इट, वो वाला लेट्स नॉट गो देयर। या एग्जैक्टली। तो वो लेकिन आप पे कुछ प्रोजेक्ट्स आप करते हैं कि कहते हैं शुक्र है कर लिया। सम थिंग्स मतलब दीस थिंग्स आर मेंट टू बी। आपका करियर भी, आई बिलीव इन डेस्टिनी, सब कुछ होता है जहाँ तक मैंने, जहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक मेरा लिखा है मैं पहुँचूंगी, चाहे गलतियाँ करके पहुँचूँ, चाहे अच्छा काम करके पहुँचूँ, मैं पहुँचूँगी। तो वो उसके लिए सोचा, हाँ उसके लिए आई डोंट मैं हाथ पैर नहीं मारती हूँ कि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, कम्पिटिटिव नेचर को गलत उसमें सेंस में ले जाते हैं, इसको भी कटाओ तो उसको भी कटाओ तो ये भी करो। नहीं, जिसका रिस्क है, जिसका जहाँ तक लिखा है, जिसकी शोहरत जहाँ तक लिखी है वहाँ तक आएगी, वहाँ तक ही होगी। उससे आगे आप कहाँ से लाएंगे क्या करेंगे? सही कह रही है, सही कह रही है। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। कटा के या किसी को वो सोच के इसको खत्म कर दो तो मेरा सीन ऑन है, सीन ऑन है, नॉट पॉसिबल। आई डोंट, आई थिंक नीयत बहुत मैटर करती है आपकी। तो फॉर मी एवरी प्रोजेक्ट had a lesson, चाहे good or bad, और प्लस कोई इस तरह का कोई सीढ़ी नहीं बनाई हुई मैंने। मेरे अपने गोल्स हैं, अपने एम्स हैं जो मुझे उसके लिहाज से पूरे करने हैं। प्रोजेक्ट वाइज नहीं है, they're not project वाइज, अच्छी बात है। They're like I'd probably say year वाइज। हाँ, year वाइज लाइज है। हाँ, done। इसके साथ ही फिर हम तो गप्पे मारते रहेंगे, लेकिन यस यस आप अनार भी खाएं। मुझे पता है आप काफी देर से देख रही हैं, कंट्रोल करके बैठी हैं, कंट्रोल करके बैठी हैं। हरीम का फेवरेट फ्रूट खा दिया। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज एंड बाय बाय।